तो ये मानकर चलना कि हमारा एक क्षण का करा गया भजन हमारी ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को सुधार देता है और ना जाने कितनी पीढ़ियों को संवार देता है। शिव भक्ति भगवान शंकर की भजन कीर्तन मंत्र जाप नाम स्मरण एक लोटा जल ये कभी खाली जाने वाला नहीं है। अच्छा आप एक सरल भाषा में इसको समझें कि यदि आपने एक लोटा जल रोज कहीं प्रतिदिन जहां पेड़ भी नहीं है मान लो यहां पौधा भी नहीं है जहां पर पेड़ भी नहीं है पौधा भी नहीं है मान लो और आपने एक लोटा जल रोज प्रतिदिन एक जगह पर कहीं जमीन पर ले जाकर डालना प्रारंभ करा रोज डालो आप थोड़े दिन में क्या पाओगे कि वहां अपने आप कोई ना कोई बीज अंकुरित हो गया। आपने बीज नहीं लगाया आपने वहां कोई पौधा नहीं लगाया आपने वहां कोई बीज रोपित नहीं करा कोई पौधा नहीं लगाया आपने तो केवल एक लोटा जल भरा और उस भूमि पर ले जा ले जाके रोज डाला प्रतिदिन डाला। अब प्रतिदिन यदि आपने एक लोटा जल ले जाकर डाला तो वहां अपने आप छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे कोई दुर्वा लग जाएगी घास लग जाएगी कोई पौधा छोटा छोटा सा दिखने लगेगा। आपने बोया भी नहीं आपने लगाया पर वहां अंकुरित हो गया। एक लोटा जल यदि प्रतिदिन कहीं ले जाकर डालोगे भी तो वहां कुछ ना कुछ अंकुरित हो ही जाता है और वहां कुछ ना कुछ पौधा लग ही जाता है। उसी तरह एक लोटा जल जब मेरे महादेव के ऊपर चढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ अंकुरित हो ही जाएगा उसका फल खाली नहीं जाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण किया शंभु तार तार तू। हम प्रतिदिन अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं प्रतिदिन शिवालय जा रहे हैं प्रतिदिन भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं शिव दिए बिना नहीं रहता। शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? जम के बोलो जरा। शरीर का मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है इस मुख से श्री शिवाय निकल जाए उससे सुंदर कोई आभूषण नहीं। इस मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं। कोई आभूषण अगर मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो इससे बढ़कर क्या आभूषण होगा। कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे हमारा मंगलसूत्र चले गया। कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे तो हमारी चेन चली गई। कथा कभी तुमसे कही कि तुम सोने की चेन पहन कर आओ? अरे बोलो तो जम के। कथा ने कभी कहा कि तुम जोरदार सोने के आभूषण पहन कर आओ? किसी ने कहा कि हमारी चेन चली गई? कोई कहे मंगलसूत्र चले गया कोई के बैग चले गया कोई कहे मोबाइल चले गया पर आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि कथा सुनते सुनते मेरा दिल चले गया। मेरा दिल चले गया ये मन महादेव के साथ चला। दोष अगर लगाना ही है ना तो तुमको ये दोष लगाना चाहिए कि कथा में मेरा महादेव के साथ मन चलेगा।
दोष भी लगाओ तो अच्छा लगाओ, क्या मोबाइल का दोष लगा। पहले के समय में मोबाइल नीचे गिरता था तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी, अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? आज के समय में मोबाइल नीचे गिर जाता है तो जान बाहर आ जाती है। पहले तो केवल बैटरी बाहर आती थी, आजकल तो हृदय बाहर आ जाता। मेरा इतना मोबाइल महंगा और गिर गया और उसका इतना नुकसान हो गया, अब मालूम पड़े कि जान बाहर। दोषी लगाना है तो चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, सामान चले गया। अगर दोषी लगाना है तो कभी कभी दोष ऐसा भी लगाया करो कि मैं कथा में, जिस दिन से मैं कथा सुन रही हूँ 1999 से सुन रही हूँ, चाहे 2000 से सुन रही हूँ, चाहे मैं जब भी कथा को श्रवण कर रही हूँ, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी तब से मेरा मन भोलेनाथ में चला गया, इससे बढ़कर कोई पूंजी मेरे पास नहीं। मेरा हृदय चला गया, मेरा दिल चले गया। दोष लगाओ मना नहीं है, पर अच्छे दोष लगाओ कि हाँ कुछ गया। भक्ति, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप अपने भीतर के सुख के लिए होना चाहिए, आत्म सुख के लिए। और जब हमारे आत्म सुख का हम विषय देखें, आप में से कई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो कपड़े सिलते होंगे, कोई दर्जी भी बैठे होंगे जो सिलाई करते होंगे, कहीं कहीं मेरी जीजियाँ भी कोई ब्लाउज सिल लेती हैं, लहंगा सिल लेती हैं, साड़ी सिल का फालपी को कर लेती हैं, वो भी बैठी होंगी, बहुत सारे लोग बैठे। हमारे हम जहाँ वहाँ रहते थे नमक चौराहे पर, तो वहाँ हमारे घर के तीन घर छोड़ के दो तीन टेलरों की दुकान थी, दर्जियों की दुकान दो तीन। उनकी दुकान के सामने से जब निकलते थे तब हम देखते थे कि वो नया की नया कपड़ा आता था और उस कपड़े को धो के टांग देते थे। आपने देखा है कि नहीं देखा, हमको नहीं मालूम, पर हम जहाँ रहते थे वहां हमारे घर के पास में दो तीन दुकानें थी, और कपड़े को नया की नया कपड़ा, शर्ट का नया की नया कपड़ा, पेंट का, उन्होंने पानी में से निकाला और टांग दिया। हमने पूछा, भैया ये कपड़ा तो नया है, इसको क्यों धो दिया? ये जितना छोटा होना है ना हो जाएगा, इसका जितना कलर निकलना है ना निकल जाएगा, और कलर निकल गया और छोटा हो गया उसके बाद अगर हम इसको बनाएंगे ना तो फिर ये छोटा नहीं होगा। इसको धो के टांग दिया, फिर ये ना छोटा होगा ना इसका कलर निकलेगा। बस यही कि यही वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे कपड़े वाला कपड़ा सिलने से पहले उसको धोकर टांग देता है कि इसका कलर नहीं निकले, ये कपड़ा छोटा ना हो, उसी तरह भगवान जन्म देने के बाद आपको शिव महापुराण की कथा में धोकर परमात्मा के चरणों में टांग देता है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर गुरु आपको बिठा देता है। पहले सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, शिवपुराण में, आपको बाल्टी में, मतलब इस सत्संग रूपी अमृत में आपको धो देता है, और धोने के बाद परमात्मा के पास में छोड़ देता है। फिर उसको मालूम है कि ये छोटा नहीं होगा, छोटा मतलब अहंकार, काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा में ये जाएगा नहीं, निचोड़ेगा नहीं, और इसका कलर नहीं जाएगा। कलर से मतलब है कि जो अंदर इसके रंग भरा गया भगवान की भक्ति का, इसके अंदर जो रंग भरा गया राम नाम कृष्ण नाम का, इसके अंदर जो रंग भरा गया भगवान की अविरल भक्ति का, फिर वो मिटने वाला। मालवा के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज एक भजन गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर उनकी वाणी में बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अब वो चुंदड़ी में रंग ऐसा रंग जाए कि फिर वो जिंदगी भर छूटे, जीवन भर नहीं छूटना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज एक रंग ऐसा रंग जा,
और वो रंग साधारण नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी धुलाई में अगर रंग निकल जाए तो क्या मतलब था? किसी ने तुमसे कहा क्या होता है शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर जी का जल पीने से, क्या होता है भगवान शंकर की भक्ति करने से? मतलब उतने में तुम्हारा रंग छूट जाए तो बड़ी बेकार है। कोई तुमको बार बार कह रहा है कि बेलपत्री खाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग पर जल चढ़ा कर पीने से क्या होगा, कोई ने कहा और तुम्हारा रंग छूट गया, शिव भक्ति छूट गई, तो व्यर्थ है तुम्हारा भजन, व्यर्थ है तुम्हारा कीर्तन, व्यर्थ है नाम। वो एक वो कहते ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग वो चढ़े, रंग वो चढ़ना चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, कपड़ा अगर जोरदार लिया है ना तो उसका कलर नहीं निकलेगा। और अगर कपड़ा ऐसा ही ले लिया तुमने कि हाँ साहब हमें तो दे दो, हमें तो मेहमानी में देना है, हमें तो चढ़ाना है, जैसे कई माताएं होती है ना जब भागवत सुनने जाती हैं, अब यहाँ शिव पुराण पे तो कोई साड़ी वाड़ी का तो कोई क्रम ही नहीं रहता, माँ तो शंकर भगवान की कथा में कहा साड़ी वाड़ी का लफड़ा, भागवत जी में जब साड़ी चढ़ती है तो माताएं पहले घर में जो साड़ी आती है उस साड़ी में से सबसे अच्छी साड़ी होती है तो सास खुद रख लेती है, और अच्छी होती है तो बेटी को दे देती है, और थोड़ी सी वैसी होगी तो बहू को दे देगी, और अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ निकली तो पैक करके और भागवत जी में चढ़ा दे। अब इनने बड़े जोरदार पल्लू मल्लू लेके साड़ी चढ़ा तो दी, पर इनके ध्यान में नहीं आया कि तुम इतनी जोरदार जोरदार पहने तो पंडित जी की लुगाई के कम पहने। अब तुम सोचो कि भाई अब अच्छी थी रख ली, गड़बड़ थी बेटी को दे दी, और गड़बड़ थी बहू को दे दी, और गड़बड़ थी तो पैक करके, अरे बच गई रे भागवत गीता। और बचने के बाद दान का महत्व मालूम है आप लोगों को? दान का महत्व मालूम होना चाहिए। दान का महत्व किसको कहते हैं? जैसा तुम खाओ वैसा खिलाना जानो, जैसा तुम पहनो वैसा पहनाना जानो, जैसा स्वयं के लिए हो वैसा दूसरे को दिया जाए। पर आज के जमाने में लोग दान वैसा नहीं करते, आज के जमाने में दान तो ऐसा करते हैं कि घर में जो कबाड़ा है उसको साफ करना है तो किसी को दे दिया जाए, बस वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलता जाता है ना। इसलिए मेरे शंकर भगवान को वस्त्र तुम्हारा, आभूषण तुम्हारा, तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारा, धन तुम्हारी, दौलत तुम्हारी, संपदा तुम्हारी, सत्ता तुम्हारा, वैभव मेरे शंकर भगवान को नहीं चाहिए। शंकर भगवान को तो रोज एक लोटा जल चाहिए, क्योंकि जल कभी पुराना नहीं होता, जल जब यूज करोगे तब वो ताजा की ताजा है, जल का प्रयोग जब करोगे वो जल जल ही रहेगा। अग्नि, जल, हवा, पृथ्वी, आकाश कभी बासा नहीं होता, कभी बासा नहीं कहलाता, जल भी बासा नहीं कहलाता, जल जल ही रहता है। गंगा जल को तुम 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल पुराना गंगा जल भी तुम्हारे घर में रखा है तो वो बासा नहीं कहलाएगा। तुम्हारे ट्यूबवेल को खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ कुआं खुदवाए हुए, तुम्हारे यहाँ बावड़ी लगाए हुए, तुमने जो कुंड खुदवाया, कुंडी खुदवाई, तालाब बनवाया, बावड़ी बनवाई, उस कुएं में जो पानी आता है वो कुआं खुदवाए तुम्हारे सालों हो गए, बरसों निकल गए, पर वो कुएं का जल हमेशा ताजा की ताजा ही कहलाता है। कभी भी पृथ्वी वासी नहीं कहलाती, हवा वासी नहीं कहलाती, जल वासी नहीं कहलाता, अग्नि वासी नहीं कहलाता, आकाश वासी नहीं कहलाता, ये सब ताजे की ताजे हैं। इसका प्रयोग जब करोगे, तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तुमने तुरंत वायु का प्रयोग करना, ताजा की ताजा है। शिव जी को तुमने जल चढ़ाया, जैसा भी तुम्हारे घर में जल था, जिस भाव में तुम्हारे यहाँ रखा हुआ था, जैसा रखा हुआ था वैसा एक लोटा लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि जल वासी है कि ताजा है। दुनिया के लोगों को तुम्हारा लोटा काला दिख रहा है, क्योंकि तांबे का लोटा काला जल्दी हो जाता है। दुनिया के लोग कह देंगे बताओ कैसी है, एक लोटा लेकर आती है वो भी गंदा की गंदा है, काला की काला है। परमात्मा तुम्हारे लोटे को कभी नहीं देखता, परमात्मा ये शरीर कभी नहीं देखता, परमात्मा उसका अंदर का जल देखता है, परमात्मा शरीर के अंदर का मन देखता है, वो जल देखता है और मन देखता है। उसे लोटे से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं कि तुम कितने सुंदर हो, उसको शरीर से मतलब नहीं कि तुम्हारी सुंदरता कितनी है, तुम कौन हो उसको शरीर से कोई, तुम कितने करोड़पति हो, कितने अरबपति हो, कितने वैभवपति हो, तुम दुनिया के कितने बड़े भी करोड़पति बन जाओ और कितने बड़े भी सेठ बन जाओ, शंकर भगवान रहते हैं शमशान में, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां
सब बराबर हैं। पैसे वाला व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, और गरीब व्यक्ति मरकर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है। पैसे वाला जाता है तो वो भी सफेद चादर में जाता है, गरीब जाता है वो भी सफेद चादर में जाता है। पैसे वाला जाता है वो भी बांस पर बांबू पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर बांबू पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो कंधे पर जाएगा, भले उसके यहां कितनी भी BMW खड़ी हो, भले उसके घर में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो, कितने बड़े बड़े भी उसके पास में ड्राइवर खड़े हो, पर आखिरी सवारी तो कंधा ही होता है। चाहे वह पैसे वाला मरे चाहे गरीब मरे, गाड़ियां सब दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह जाती है, अंत समय परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। शिव का दरवाजा है ही ऐसा, शंकर की चौखट है ही ऐसी, शिव का द्वार है ही ऐसा, जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है, वहां कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, जो आया उसकी दृष्टि में सब बराबर हैं। बस वो तो तुम्हारे ऊपर का सुंदरता नहीं देखता, आप कितने अच्छे कपड़े पहने हो उससे मेरे शंकर जी को कोई मतलब नहीं है, आपने क्या पहना मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका लोटा कैसा हो रहा है मेरे बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है। बाबा तो ये कहता है कि तेरे लोटे में जो जल है मुझे उससे मतलब है, और तेरी इस काया के अंदर जो तेरा मन है मुझे उससे मतलब है, बाकी का किसी चीज से मुझे मतलब नहीं। क्या करूं मैं उस लोटे का। अब मालूम पड़े कई कई माताएं ऐसी भी होती है कि लोटा तो घिस रही है, साफ भी कर लिया, पर दिल लोटा साफ कर कर मंदिर में पहुंच भी गई, और पहुंचने के बाद अगर वहां मंदिर में झगड़ा करे, हट हट थोड़ा सही दे, मैं नहीं चढ़ाऊं जल, बेलपत्ती चढ़ाई इतनी देर में दूसरी उठा के ले गई तो आंखी बंद करनी थी, और गुस्से में लाल हो गई, मेरी बेलपत्ती कौन ले गया, आसपास देखो। अब बता, लोटा तो तूने बहुत घिसा था पर दिल नहीं घिस पाई, अरे सोचना था तेरे को हो सकता है उससे ज्यादा जरूरत किसी दूसरे को तेरी बेलपत्री की थी, इसलिए लेकर चली। लोटा घिसने से क्या होगा, दिल भी तो घिसो, मन तो साफ करो, क्लीन करो, थोड़ा मन निर्मल करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग शंभु, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना। अपना मन तो क्लीन करो, मन साफ करो जरूर। तुम्हारे शरीर से परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, क्योंकि परमात्मा के पास में शरीर जाता ही नहीं है। तुम्हारे कोई रिश्तेदार मरे हो और उनका शरीर ऊपर गया हो तो बता देना, जिसने खूब बादाम खाई हो, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर गई हो, उसका शरीर भी ऊपर नहीं गया। गया? अरे बोलो तो जम के नहीं, शरीर से मतलब ही नहीं उसको, कि तुम्हारा शरीर तुम कितना सुंदर रख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो मतलब है निर्मल मन सो मोहि पावर मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तीन चीजें, तीन चीजें, बचपन जो निकलता है वो लड़कपन में निकल जाता है, बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है, और बुढ़ापा तड़पन में निकल जाता है। बचपन गया, लड़कपन में निकल गया, छोटा है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लड़कपन में निकल गए, जवानी अकड़ में निकल गई, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कभी कभी ये शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है, तुम मुझे जानते नहीं हो। एक चौराहे पर जब कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी रोक लेते ना, तो गाड़ी रोकते से ही तुरंत तुम मुझे जानते नहीं हो, तो उसने पूछा तुम कौन हो, फिर तुरंत उसने नाम बताया और उसकी गाड़ी छूट गई। बोला छुट्टी की नहीं छुट्टी, अरे झमके तो बोलो, छूट जाती है ना, नाम बताया उसने और उसकी गाड़ी छूटी। डॉक्टर को दिखाने जाओ और भीड़ बहुत लग रही हो,
नंबर देने वाले से कहे तुम हमें जानते नहीं हो, फिर नाम बताया, नंबर जल्दी लगा कि नहीं लगा, बोलो जम के तो बोलो, लग गया। जब गाड़ी पकड़ाती है और नाम बता देने से गाड़ी छूट जाती है, तो फिर अपने को भी यह बात अपने अंदर धारण कर कर रख लेना चाहिए कि गाड़ी को पकड़ा, नाम बताने से गाड़ी छूट गई, तो जब यमराज हमें पकड़े तो हमें भी शंकर का नाम बता देना है, तो हम भी छूट जाए। गाड़ी पकड़ी और नाम बताया तो गाड़ी छूट गई, तो क्या वो यमराज के सामने नाम बताओगे तो ना छूटोगे? और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जब एक नाम बोलने से गाड़ी छोड़ दी जाती है, तो उस परमात्मा का नाम लेने से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, जब राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं, तो वो यमराज भी छोड़ देता, छोड़ना पड़ता है। मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा को केवल छोटी सी उम्र मिली थी और कह दिया उसके माता पिता ने शंकर जी को पकड़ ले, शिव जी को पकड़ा, आखिरी में शंकर का गुणगान कर रहे थे, नाम ले रहे थे और यमराज आ गया, छोड़ना पड़ा। नाम का असर बड़ा होता है, जैसे ही फोन लगाया नाम दिया किसके है किसकी गाड़ी, नाम सुना छोड़ दी गई, तो परमात्मा का नाम लोगे तो यम की कैद से भी छूट जाओ। बस नाम की मूलता को पहचान, इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने अपने सुंदर वचनों में लिखा, तुलसीदास जी ने अपने वचनों में कहा कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा, नाम। उन्होंने कलयुग में यह नहीं कहा कि राम धारा कि कृष्ण धारा कि शिव धारा कि यह धारा, उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम धारा, तुम्हारी मर्जी पड़े तो राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े दत्त बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुल देवता का नाम लो, तुम्हारा जो मन पड़े वो नाम लो, पर कलयुग में नाम जरूर लो, क्योंकि कलयुग का सार तत्व केवल नाम से है, परमात्मा के भजन से ले आओ जरूर नाम। अब आप और हम नाम का लेते एक पत्र, मेरा नाम बिमलेश पांडे, मैं कस्बा बेबर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश की हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम विमलेश पांडे, मैं कस्बा बेबर की रहने वाली हूँ, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश, कहीं बैठी हैं हाथ हिलाओ, हाँ ठीक है दिख गया दिख गया, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई 2023 में, डॉक्टरों को दिखाते दिखाते कई महीने निकल कर दोनों आंख से दिखना बंद हो गया, पूरी की पूरी आंखें चली गई, डॉक्टरों से इलाज करवाया, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा बड़े से बड़े हॉस्पिटल का शहर का जहां हमने इलाज ना करवाया, और डॉक्टरों ने कहा कि इसमें हमें लगता है कि नसें कुछ चोक हो गई जिसके कारण बस देखने में नहीं आ, दोनों आंखें चली गई, रोशनी पूरी चली गई, दिखाई देना बंद हो गया, अब करें तो करें क्या। तभी पहली बार आपकी कथा टीवी के माध्यम से श्रवण करी, और श्रवण करने के बाद आपने कहा कि एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ और चढ़ा हुआ जल आचमन करो, हम उस जल को आचमन ना करते हुए हमारे पति की आंखों में कपड़े को गीला कर वो आंखों पर लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर से एक बेलपत्र लेकर आते, उस बेलपत्र को पति को खिला देते, जल पति की दोनों आंखों में पट्टी जैसा लगाना प्रारंभ करा। जब डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगी, और हमने फिर भगवान शंकर पर भरोसा करना प्रारंभ करा, एक डेढ़ महीने तो आंखें नहीं आई, दो महीना निकल गए आंखें नहीं आई, तब हमने शिव के मंदिर जाना नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत करना नहीं छोड़ा, और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, फिर हमने विचार करा कि आंख की रोशनी तो आई नहीं रही, फिर हमने अपने पति को लेकर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आ गए,
और अपने पति को लेकर यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आए। यहाँ से हमने रुद्राक्ष मांगा और रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते, वो रुद्राक्ष का जल अपने पति को पिलाते और आंखों में लगाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति की ये 2024 में आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, एक शिव और शिव की उदारता। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें वापस नहीं आएगी। मैं अपने पति को लेकर, उन्हें दिखता नहीं था, धाम पर आ गई, रुद्राक्ष लिया लेकर चली गई, बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई और बाबा ने मेरे पति की आंखों को वापस दे दिया। ये शिव तत्व, योग घड़ी, एक विश्वास हमारे भीतर शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप सियोर वाले महाराज जी से मिलने के लिए नहीं आए हो, ना सियोर वाले महाराज से आपका कोई रिश्ता है, ना संबंध। एक संबंध सियोर वाले महाराज से जरूर है कि आप मेरी बहन हो, मैं आपका भाई हूँ और पुरुष जितने हैं वो मेरे जीजान हैं और मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरी माता, ये सब मेरे रिश्ते। पर खास रिश्ता तो आपका मेरे कुबेर भंडारी से है, वो रिश्ता कभी जिंदगी में समाप्त तो होने वाला है। एक संबंध तुम्हारा शिव से जुड़े, आश्रित हो तो परमात्मा पर, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना। भरोसा करना तो मेरे देवदीन महादेव पर करना, दूसरे पर कभी भरोसा नहीं। इंसान का करा गया भरोसा टूट जाएगा, पर परमात्मा का करा गया हुआ भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटता, वो भरोसा अजर और अमर रहता है। आपको लगता होगा कि कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति है, बहुत धनपति है, बहुत वैभव है उसके पास में, तो बड़ा सुखी होगा। शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, बोले बाबा आपका और हमारा विवाह हुआ है। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है, शादी करती है, तो उसके मन में बहुत सारी तमन्नाएं होती है, बहुत सारी आस लगी होती है, बहुत आस रहती है उसकी। एक लड़की जब किसी लड़के से विवाह करती है तो उसके मन में ये आस होती है कि बड़ा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पति अच्छा मिलेगा, सास ससुर अच्छे मिलेंगे, रिश्तेदार नातेदार अच्छे मिलेंगे, मैं जिस घर में ब्याह कर जाऊंगी वहां भोजन की कोई कमी नहीं होगी, मेरे रहने के लिए अच्छा कमरा, अच्छा भवन, सब कुछ मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ा महल मिलेगा। पर भोले बाबा आपकी अर्धांगनी, माता पार्वती जी कह रही आपकी अर्धांगनी विवाह कर आई, नंदी पर चढ़कर अपने पिता का सारा ठाट छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाट छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर यहाँ आई। पर आपके यहाँ तो कोई ठाट है ही नहीं, आपके यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहाँ तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहाँ कैलाश पड़ा हुआ है, पूरे कैलाश में जहाँ चाहो वहाँ रह लो, किसी कंदरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से अपना आनंद पाइए। पूछा मेरे भोलेनाथ ने, पार्वती क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा, प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना, तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना, एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए, हम जब पहुंचें तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए, सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है। पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहाँ सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहां सुविधा होती है वहीं दुविधा होती है, यहाँ सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाती है, अधिक सुविधा में दुविधा होती है। यहां तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी, अरे बोलो तो जम के, आपको ही है,
कद्दू भी आपको ही काटना है और बनाना भी आपको ही है, रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है, खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल गिनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है, हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो और चले जाते। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चले जाते। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं कि तुम नुक्ती तल लो। आप में से कोई आके कहता है हम तलना जानते हैं, तो उसको मिक्सर बनाने बिठा देते। हम तो बाबा अगर सुविधा चाहिए तो यहां सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा जिसके पास में बहुत होती है, बहुत वीआईपी कल्चर में जो रहता है, बाद में वही दुविधा में रहता है। क्योंकि मालूम पड़े दरवाजे पर चार लोग आए और निकलकर तुम दूध तक लेने ना जाओ, किसी को पानी पिलाने ना जाओ, तो घुटने में धीरे धीरे जंग लग जाती है, कमर में जंग लग जाती है, चलते नहीं बनता, फिरते नहीं बनता, काम नहीं बनता। आप में से ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, इसमें एक मुंबई का पंचाल परिवार भी बैठा हुआ है, खड़े हो जरा। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि जब से कुबेरेश्वर बाबा के धाम से जुड़े हैं, एक भी कथा ऐसी नहीं निकली जिसमें ये यजमान नहीं बने कुबेरेश्वर धाम के। और इन दोनों की आदत ऐसी है कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में बोलने का नंबर आएगा, ये दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे और बाबा से विनती एक ही चीज की करते हैं, अगली कथा जब भी हो बस बाबा अगला यजमान फिर तुझे बनाना। ये सोफे पर बैठ के, पलंग पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता ही नहीं है, ये दोनों नीचे बैठेंगे जमीन, दोनों जमीन पर, दोनों के पांव में प्रॉब्लम है, दोनों के पांव में दिक्कत। पर जितनी देर 5 बार हम 7 बार जो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यास पीठ से बोलते हैं, तब ये कहीं पर खड़े भी होते हैं ना तो जमीन पर बैठ के बोलना चालू कर देते हैं। तो हमने इनसे एक बार पूछा भी, तुमको मिलता क्या ऐसा, तो कि इस भूमि में कुछ चुंबक है, नीचे बैठकर जब बोला जाता है और बाबा से मांगा जाता है तो वो वापस खींच कर बुला लेता है। ये मुंबई से आते हैं, हर कथा में यजमान बन जाते, हर कथा प्रत्येक। यहां सुविधा नहीं है, जिसको बहुत सारा राजसी ठाट चाहिए हो तो वो अपने घर से, अगर किसी को लगता हो कि हमको ये वीआईपी व्यवस्था चाहिए, तो अपने घर से एक बढ़िया गाड़ी तैयार करे, उसमें पूरी व्यवस्था लेकर पहुंचे। पर बाबा के यहाँ पर तो केवल एक चीज मिलती है, यहाँ कंकर और शंकर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, केवल कंकर शंकर, केवल कंकर शंकर। जमीन पर सोगे, अपनी पन्नी बिछाओ, अपनी दरी बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना सो, क्योंकि आपका अपना, ये कथा का पंडाल नहीं होता, ये कथा का पंडाल नहीं है। जब आप बाबा के धाम पर कथा सुनने के लिए आते हो तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे कोई पूर्व के समय में तीर्थ करने जाते थे, अपनी दरी, अपना सामान, अपना बर्तन लेकर जाते थे और बैठकर तीर्थ करते थे, बस बाबा के धाम में वैसे आओ, अपना तीर्थ करो, अपना आनंद करो, बाबा से गुणगान गाओ और बाबा से प्रार्थना करो, चले जाओ। फिर वो धीरे 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 तुमको कैसे बुलाएगा, कितने ठाट से बुलाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर, कितने ठाट से बुलाएगा ये उसके। जैसे भी आदरणीय विधायक महोदय कर रहे थे, पहले हम आए ट्रेन से, ऑटो से, फिर बस से, फिर गाड़ी से, फिर बाबा ने कृपा कर बुलाया, ये शिव भक्ति है। वो कैसे बुलाएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो एक बार नहीं, कई बार बाबा के धाम आ चुकी, हर 2-3 महीने में आ जाती, हर 1 महीने में पहुंच जाती, बाबा के धाम पर आकर अपनी सेवा करी, चाकरी करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन भांडा साफ करा और बाबा से विनती करी, हम तो बाबा के। सुविधा में दुविधा, आप जितनी सुविधा में रहोगे उतने दुविधा में रहोगे, जितनी सुविधा में रहोगे, तुम देखो जितनी सुविधा में तुम रह रहे हो, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, वीआईपी ट्रीटमेंट में रह रहे हो, उसके बाद में भी कमर में दर्द है, सारे डॉक्टरों का वीआईपी इलाज चल रहा है तो भी तकलीफ पे तकलीफ चल रही है, मतलब सुविधा में दुविधा है। और जिसको सुविधा में दुविधा लग रही है उसको स्मरण करना चाहिए कि आओ बाबा के धाम, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा परिश्रम करो, नहीं ना। और जब हम बाबा के धाम में आकर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम जब हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पत्र मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़,
राजस्थान का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूँ। दोनों हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना, आ जाइए। गुरुदेव, मैं 2 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पत्र को आप लोग LED पर या अपने मोबाइल पर या आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। तैयारी कर रहा था लेकिन किसी ना किसी कारण से असफल हो जाता था। फिर मुझे अपने परिवार वालों ने कहा कि सब भोले बाबा पर छोड़ दे, वो जरूर सुनेंगे। तू मन लगाकर मेहनत कर, क्योंकि गुरु जी कहे कि मेहनत तुझे करना है, परिश्रम तुझे करना है। मन लगाकर मेहनत कर और सब बाबा पर छोड़ दे, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। देवेंद्र सिंह ने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और सीहोर आए। यहां आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और कंकर शंकर की पूजन कर भोले बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और मेरी पोस्टिंग जम्मू में हुई है। मैं जम्मू में पोस्ट हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी पोस्टिंग जम्मू में। देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी। यह शिव तत्व है। बस जब आप और हम भगवान शिव के भक्ति में रमे, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे, जो महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर हमारे भीतर हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। इस पत्र में लिखा कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा कि शिव पर छोड़ दे, मेहनत पूरी करना, परिश्रम पूरा करना, मेहनत पूरी कर, परिश्रम पूरा कर। कहा गुरुजी बोलते हैं कि मेहनत में पीछे नहीं हटना है, मतलब मेहनत तो आपको डपट के करना पड़ेगी। और फिर निवेदन है जो हमने परसों की कथा में कहा था, खांसी हमें चली है तो खांसना हमें पड़ेगा, छींक हमें आई है तो छींकना हमें पड़ेगा, कष्ट हमें आया है तो भोगना हमें पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर दुख है तो मेरे बाबा का गुणगान भी आपको करना पड़ेगा, आपकी मेहनत के साथ करना, आपके परिश्रम के साथ। वो कल परसों 2 दिन पहले बोला था, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। शिव के प्रति भरोसा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा बोले ना। मेहनत करो, परिश्रम, पीछे नहीं हटना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे बस का नहीं है, कोई तुमसे कह दे कि तू नहीं कर सकता, कोई कह दे तुमसे कि तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, कोई तुमसे कह दे कि तेरा इंटरव्यू में तू पास नहीं होगा, कोई तुमसे कह दे कि तू इस सब्जेक्ट में नहीं निकल सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू CA नहीं बन सकता, तब उसको एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका देना और उससे कहना कि इतनी मेहनत कर, दुनिया की चुनौती को अपने दिल में रख और चुनौती को दिल में रखकर उसको उस मेहनत के बल पर आगे बढ़कर नौकरी लगा कर अपनी मेहनत कर। कैसे नहीं होगा जी, कैसे नहीं। हार किसकी होती है जो मेहनत ही नहीं करता, हार किसकी है जो मेहनत ही नहीं करता। दुकान खोल कर बैठ गया, उसके बाद मन ही नहीं लग रहा क्योंकि इसमें व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि तेरी रुचि नहीं है ना, तू उसमें संघर्ष ही नहीं कर रहा, तू उसमें मेहनत ही नहीं कर रहा। थोड़ा मेहनत करो, संघर्ष करो, आपका संघर्ष आपकी मेहनत आपको कभी पीछे नहीं रखने देगी। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बस वो मेहनत, वो संघर्ष आपका, वो मेहनत आपका।
और महाराज जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में देवरिद महादेव की भक्ति में रम जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ, हम पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते हैं, हमारे ऊपर शिव की दृष्टि पड़ती ही है, शंकर की दृष्टि पड़ेगी। आप इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आपके साथ अगर कोई बच्चा आया होगा ना, वो बच्चा जहां खेल रहा होगा ना, माँ कथा भी सुन रही होगी ना, तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर जरूर होगा। बोलो तो जरा, सही है कि गलत है? बच्चा अगर खेल रहा होगा तो माँ का ध्यान अपने बच्चे पर जरूर है। बच्चा कहाँ है? माँ का ध्यान उस पर है। अपने बच्चे पर माँ का ध्यान बना रहता है, अपने बच्चे पर पिता का ध्यान बना रहता है, उसी तरह एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर मेरे शंकर का ध्यान बना रहता है, बना रहेगा। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर का ध्यान आप पर है, भगवान शंकर का ध्यान आप पर। आप शिव कथा सुन रहे हो, भगवान शंकर का ध्यान आप पर। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? मां शबरी अम्मा ने पूछ लिया राम जी से, नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी, नवदा भक्ति में सबसे प्रबल भक्ति कौन सी, नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो भगवान राम ने कह दिया श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। जब हम कथा सुनते हैं, परमात्मा कानों के रास्ते से दिल में जाकर बैठ जाता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है और हमारा दुख अपने आप मिट जाता है। श्रवणम सबसे प्रबल भक्ति है, श्रवणम। सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवण करना, सुन लेना। और आज के जमाने में सुनने का ही तो आदत नहीं है महाराज। आज के जमाने में सास कह दिए हम किसी की नहीं सुनेंगे, बहू कह देती है हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, बेटा कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पोता पोती कह देते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो क्या सीओर वाला महाराज सुनेगा? सही बातें सुनने की आदत तो डाल ली है, डालना चाहिए सुनने की आदत। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, बाप कहे हम नहीं सुनेंगे, छोरा के हम नहीं सुनेंगे, सास के हम नहीं सुनेंगे, माँ के हम नहीं सुनेंगे, कल की आई हम तेरी सुनेंगे, और सास के मैं किसी की नहीं सुनूं, बेटा के मैं नहीं सुनूं, पोता के मैं नहीं सुनूं, पोती के मैं नहीं सुनूं, कौन सुनेगा? आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। तो यहां राम जी कह रहे हैं सबरी अम्मा को सर्वप्रथम भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम, कथा को सुनना, बातों को सुनना, श्रवण करना और अपने अंदर उतारना, ये श्रेष्ठ भक्ति है। जिसने कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया, जिसने कथा में दिल लगाना प्रारंभ कर दिया, कथा को सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास पक्का हो गया, तो उसके अंदर इतना विल पावर आ जाता है, इतना बल आ जाता है कि वो आखिरी में जीत ही जाता है, वो हारता नहीं। विश्वास, सुनो और बहुत अच्छा लगता है। देखिए सुनने में जो सुख है ना, वो कहीं सुख नहीं है श्रवण करने, अंदर विश्वास की जागृति उत्पन्न होती है। और हम तो साधुवाद देते हैं, कई कई कथाएं जब कहीं जाते हैं, कोई बुलाता है और वहां जब कथाओं में पहुंचते हैं तो इतना शोरगुल होता है उस कथाओं में, इतना शोरगुल होता है जब कोई बुलाता है हम कथा में जाएं तो इतना शोरगुल होता है। पर आप लोगों को मैं नमन करता हूं कि लाखों की भीड़ आती है, अभी भी देख लो 1-2-3 पंडाल खच भरे, उसके बाद भी एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए इतने साइलेंट होकर आप लोग कथा को श्रवण करते हो, इतने साइलेंट होकर आप कथा का रिस्पान ग्रहण करते हो, इतने एकदम शांत, एकदम श्रवणम सुनो। जितना सुन सकते हो सुनो। जब आप सावन के महीने में दो लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब तीन चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो दो लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम दो लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू, अब तुम्हारा लोटा हाथ में, बेचारा वो भेरू
ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू बाबू भेरू ने और खींचा है, ठीक है ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है, और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ, ओ मारे फूल माला की पन्नी तो वहीं रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले कमर में खोसी दो, कमर में खोसी दो, कमर में पन्नी, और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी भोले को अपना, अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है अगर दो लोटा हाथ में ना, तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए तीन चीजों में, एक चीज जल, दो लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम पांच दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम एक माला जरूर कर ले जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो हम कहते हैं कि हजारों अश्विक यज्ञ के पुण्य के बराबर भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती है अभी। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले, तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते हैं। चंदन हमने एक बार पहले ...2019 में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे, तो 15 या 20 दिन में या एक महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। तीन कार्य में से एक कार्य बाबा को दो लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना, जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्री शिव का नाम लेकर भगवान शंकर की स्तुति करकर शिव के करीब, शिव को समर्पित कर भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं, तो बेलपत्री का पत्ता बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं, जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा, हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर बाबा को, तीन चीजें, एक सावन के महीने में दो लोटा, जम के बोलो जरा जल, सारी समस्या का हल, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना, अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है, तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पर स्त्री
जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया, कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप सकता है, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर षडाक्षर पर पहुंचेगी, और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा, ओम नमः शिवाय, 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 ये पुरुष चालू कर दिया। पर स्त्री जब जपेगी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा, कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए, फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से षडाक्षर तक। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः, पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी, बैठी थी भगवान शंकर के तेज पुंज, गंगा जी के जल में चला जाता, और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं, 6 पुत्र, जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर षडानंद कार्तिके रख दिया, कार्तिक षडानंद कार्तिके जी। जब माता पार्वती जी के पास में आए और माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, ओगरदानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं, फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो, घर में जो बुजुर्ग हैं बड़े हैं उनके चरण छुओ, माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ, मर महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। तप बल तो कहे महाराज, अपनी किस्मत का ताला, बड़े भाव से हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल दे चलो, श्री शिवाय, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला, ओ अपनी किस्मत का ताला, ओ अपनी किस्मत का ताला
तुम खोलते चलो। चाहिए वो काशी रहने वाला।
बोला नाथ चाहिए नैनों को डमरु वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरु वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला बोला नाथ चाहिए वो काशी को
काश वाले का मैनों को कपड़ वाले का दीदार चाहिए वो काशी रहने वाला गोलनाथ चाहिए वो काशी रहने वाला गोलनाथ चाहिए मैनों को काशी वाले का नैनों को टमरू वाले का नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल दे चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोल दे श्री शिवाय अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए भाव से बाबा से विनय करिए निवेदन करिए देवाधिदेव महादेव स्वीकार करें जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से करें आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे व्यासपीठ की आवाज आप तक पहुंचे दिल से बाबा से निवेदन करिए श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव की कथा कहती है देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता है शरणानंद कार्तिकेय जी अपने माता पिता को प्रणाम कर तारकासुर का संहार करने के लिए तारकासुर असुर है पर उसका हृदय शिव में रमा हमने एक बात पहले कही थी कथा के अंतर्गत कि शंकर का कोई द्रोही नहीं मेरे शिवजी का कोई दुश्मन शंकर भगवान का जो भक्त होता है उसका कोई द्रोही नहीं शिव का कोई द्रोही नहीं शंकर का कोई दुश्मन कौन द्रोही होगा क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था तारकासुर ने मांगा था केवल ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि वर ऐसा दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे क्योंकि तारकासुर जानता था कि भोलेनाथ सती माता के बाद में विवाह नहीं करना चाहते थे और मैं चाहता हूं कि मेरा बाबा विवाह जरूर करे
ये शिव महापुराण की कथा कहती है, अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपने रिश्ते, अपने नाते कभी मत छोड़ो। उस कुटुंब में, उस परिवार में, उन रिश्तों में, उन नातों में रमे, पर रमते रमते शिव की भक्ति। एक बहन ने पत्र लिखा, मैं नेहा सोनू सोनी निवासी झोटपाड़ा जयपुर राजस्थान की रहने वाली, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नेहा सोनू सोनी निवासी झोटपाड़ा जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ। आप ही हैं, बच्चा आया है साथ में, ले आओ उन दोनों को, यहाँ लिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरी शादी को हमने इंतजार करा कि संतान अब होगी, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, छः साल, सात साल, आठ साल, ऐसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं हुआ, संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी ट्यूब ब्लॉक थी, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम कभी संतान प्राप्त नहीं कर सकती, आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आप कभी माँ नहीं बन सकती हो। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कोई प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी कथा आती है, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, और फरवरी 2022 में मैंने कथा सुनी, और 13 जुलाई 2022 को हम पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पर सीहोर में आए। 2022 में जब हम सीहोर आए, यहाँ कंकर शंकर पूजन कर गए, और रोजाना शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को हमने बांधा, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं फिर वापिस आपकी कथा पर भरोसा कर 8 नवंबर 2022 को फिर सीहोर आ गए। हमने बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा, एक बार काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर हम नवंबर के महीने में आ गए, और यहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर चले गए। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर पीना प्रारंभ करा, और जुलाई 2023 को फिर वापिस हम सीहोर आ गए। नवंबर में आए, फिर हम 2023 में फिर सीहोर आ गए जुलाई के महीने में। अब की बार में जब सीहोर आई तो मैंने बाबा के कंकर बीने, और कंकर बीन कर उसकी पूजन करी। पहले हम एक कंकर की पूजन कर गए, फिर आपने जो 5 कंकर का वर्णन करा, उस 5 कंकर को बीन कर पूजन करी, बाबा से विनती करी, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना चालू करा, और फिर हम कोटा में, जब आप कथा में कहते हो कि एक दिन पंडाल में अगर बैठकर आपने कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा, हमने हमारे पति से कहकर कोटा में जब आपकी कथा हो रही थी तो हम कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए गए, और कोटा की कथा में कथा सुनी, और बाबा से विनती करी, मैं 2 बार आपके सीहोर होकर आ गई हूँ, मैं 2 बार आपकी जड़ बांध चुकी हूँ, कुछ भी करो पर मेरे यहाँ संतान देना, मैं 2 बार सीहोर आ गई, 2 बार मैंने जड़ बांध ली, 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आप नहीं सुनोगे तो आप सीहोर वाले महाराज की तो सुनोगे, मेरी गोदी भर दो ना बाबा। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 26 मई 2024 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया, मैं बाबा की कृपा से लिया। 26 मई 2024 को मेरे यहाँ बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं बाबा के धाम लेकर। अभी 1 महीने के हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा, बाबा की दया, और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं
26 मई 2024 को बच्चों का जन्म हुआ, एक दो महीने के बच्चे हैं। और ये बाबा से उसने झगड़ा कर लिया, मैं दो बार तेरे यहां आ गई, दो बार पशुपति व्रत कर लिया, इसलिए बाबा ने शिव कृपा शंभु ओगड़ी है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी दया। कम एक पत्र है, काजल झा पति अतुल झा बेलमोहन गांव मधुबनी जिला बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ